and they also might want uh, somebody to win the seat and I was confident with his work इनका जो काम किए है uh, I was confident that I could work and win a seat for them उनके लिए हम जीत के दे सकते थे हमारे uh, पूरा विश्वास थे so धनंजय तो जी अब आप, आप कह रहे हैं पंकज जी जो अपोजिशन के लोग हमारे आधार जनाधार की बात कर रहे हैं हमारे खिलाफ़ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों लोगों की जमानत जब्त होती है असेंबली में आप बाईस के असेंबली में आए भी थे चूँकि जाति समीकरणों के आधार पर उत्तर प्रदेश जात की राजनीति मैं देख रहा हूँ एक हिसाब से बुराई है लेकिन आवश्यक बन गई है तो जाति राजनीति की वजह से हमारी सीट जो है असेंबली की बहुत खराब कर दी गई थी उस समय एक दिवंगत नेता हम लोगों के बीच नहीं है समाजवादी पार्टी के उन्होंने इस तरीके का परसीमन में सीटों को चेंज कराया एस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि आपने उनको टिकट दिया और आपने उनको मझधार में छोड़ दिया चलिए और बाकी सेवेंटी नाइन सीट है बी एस पी आट, कम से कम बीस बाईस सीटों पर कैंडिडेट दूसरों की बात क्यों कर करा अपनी बात नहीं मैं अपनी बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ बी एस पी हमें ही क्यों टारगेट कर रही है बी एस पी ने बस्ती क्यों नहीं कहा बनारस क्यों नहीं कहा गाजीपुर क्यों नहीं कहा आजमगढ़ क्यों नहीं कहा मेठी क्यों नहीं कहा जिस दिन मेरा टिकट गया नॉमिनेशन का लास्ट है उसी दिन बस्ती में भी था मैं एक बार फिर उसी सवाल केवल इसलिए देखिए मैं बताऊं कि हमारी एकमात्र ऐसी सीट थी जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय थी और वही एक विनिंग सीट थी उनको दलित को लगा कि दलित ऐसा ना उनके खिलाफ़ रिवोल्ट करे रिएक्ट करे इसलिए उन्होंने हमको इस तरीके के मेरे ऊपर आरोप लगाए एक चीज़ और कही जा रही है धनंजय जी कि चूंकि आपके पर मुकदमे हैं कुछ जांचों की बात हो रही है इसीलिए आपका हृदय परिवर्तन हो गया जो आप बीजेपी को हराने का दम भर रहे थे अब बीजेपी को जिताने का वादा कर रहे हैं जब हम चुनाव मैदान में होते तो निश्चित बीजेपी भी हारती वहाँ और मैं आपके कैमरे पे ही कह रहा हूँ लोकतंत्र में मैंने पहले भी कहा आपसे डरना कोई हो नहीं है क्षमा दंड उपहार ये सब लोकतंत्र के जुमले नहीं सब राजतंत्र के जुमले हुआ करते थे पंकज जी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला यही आपके सवाल का जवाब है मुकदमे तो पहले भी थे मुकदमे अभी भी है मुकदमे आगे भी हो जाएंगे जब आप जनता के सवालों पर लड़ेंगे सड़क में तो निश्चित है मुकदमे कायम होंगे आपके ऊपर आपने एक बार कहा था जिस दिन इनका जेल ट्रांसफर हुआ ये जौनपुर से बरेली गए आपने कहा आपके मंगलसूत्र पर आपके सुहाग पर इनकी जान पर खतरा है वो खतरा किससे है क्योंकि इनके ऊपर पहले भी एक ऐसी घटना हो गए थे और इनका विरोधी भी बहुत हर वक्त कुछ ना कुछ यू नो दे ट्राई टू आई थिंक पास्ट टू थ्री इयर्स में भी ऐसी आ, फेक केसेस लगा के उनको फंसा देते थे सो आई थॉट आई शुड टेक माय कॉशन तो बीइंग अ वाइफ जितना भी पॉलिटिशियन है बीइंग अ वाइफ जब ऐसी घटना हो जाते हैं कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं हम धनजा जी लोग आपसे डरते हैं और आपकी जान को खतरा हो गया नहीं हमसे तो कोई नहीं डरता है आपकी छवि तो ऐसे ही बना रखी है आपकी मेहरबानी है इसमें मेरा क्या रोल है ये आपका मतलब आपके बिरादरी से आप लोग बाहुबली बना दीजिए आप माफिया बना दीजिए आप कुछ बना दीजिए लेकिन आप व्यक्तिगत मुझे जानते हैं पर आपके ये भी बात तो सही है एक दौर में कितने सारे मुकदमे थे मुकदमे अभी इसमें भी कह देना चाहता हूँ मुकदमे की मुकदमे की लिस्ट जो बना दी जाती है अभी हाईकोर्ट का मैं एक जजमेंट देख रहा था एक टिप्पणी आई थी कि जो चुनाव आचार संहिता के मुकदमे वन सेवेंटी वन वन एटी एट के मुकदमे का वो कम से कम मेरे ऊपर बीस मुकदमे कायम है वो भी क्रिमिनल हिस्ट्री में दिखाएंगे कि बीस मुकदमे इनके ऊपर कायम है तो ये तो ये सब सिंपल कंप्लेंट की चीज़ें हैं ये लेकिन उसको क्रिमिनल हिस्ट्री आप बताएंगे हर छात्र जीवन में मुकदमे जरूर हम लोगों के ऊपर दस बारह पंद्रह मुकदमे यूनिवर्सिटी में कायम हुए थे उसके बाद आपको मालूम होगा 2002 में जब इंडिपेंडेंट एमएलए बन के आया मैं तो बसपा और भाजपा की सरकार थी उस सरकार का हम लोगों ने विरोध किया समर्थन वापस लिया एक साल जेल रहना पड़ा उस दौरान हमारे ऊपर कम से कम बारह तेरह मुकदमे कायम की थे तत्कालीन सरकार ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी मायावती जी प्रदेश के मुखिया थे उस समय तीन तीन गैंगस्टर लगा दिए गए बेमतलब का रासुका लगा दिया गया उसमें राजा भैया भी हमारे थे सब उसमें उनको पोटा लगाया गया कोई एक्यूज थे ये जितने तो भी सरकारों से लड़ने पे उसके बाद मैं एमपी था आपको पता होगा मैं एमपी था तो बीएसपी से मेरे किसी मुद्दे पे असहमति बनी असहमति पे मुझे जौनपुर जाने के लिए रोक दिया गया धारा एक लगा दी गई आप डरने की बात कर रहे हैं मैं हमारे तमाम पत्रकार साथी हमारे सहयोगियों ने कहा दिल्ली से कि आप मत जाइए जौनपुर में आपको अरेस्ट करा लेगी सरकार हमने कहा कि अरेस्ट करा ले वो जनता मेरे साथ मैं आया कम से कम दस हज़ार लोगों की जनसभा किया एयरपोर्ट से तमाम हमको हज़ारों गाड़ियों ने रिसीव किया हम तो डरे नहीं सरकार से जो लोग आज कह रहे हैं उन्हीं की सरकार थी एक वो बताइए अभय सिंह हैं ब्रजेश सिंह हैं जो आप कह रहे थे बाहुबली नेताओं की इस और फिर आप हो गए सब लोग धीरे धीरे करके बीजेपी की तरफ क्यों जा रहे हैं मतलब ऐसा क्या हो गया बीजेपी में चुम्बकीय शक्ति आ गई देखिए मैं दूसरों के विषय में नहीं कह सकता लेकिन मैं अपनी बात कहता हूँ मैं पहली बार इंडिपेंडेंट एम बना था तो हमारे यहाँ बीजेपी और आर का अलायंस था और महज बीजेपी आर एल अलायंस को दो वोट मिले थे मैं पूरा बीजेपी का कार्डर वोटर सब शिफ्ट हमारे साथ हुआ फिर 2007 का मैं असेंबली का चुनाव लड़ा तो मेरे साथ जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था तो बीजेपी के लोगों से हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं आप जानते हैं काम साथ किए हैं दस सालों तक असेंबली में तो संबंध बन जाते हैं रिश्ते होते हैं और पार्लियामेंट में भी थे तो तमाम इशूज़ ऐसे थे कि नेशनलिस्ट इशू पर बीजेपी की पॉलिटिक्स रही हम लोगों के थोड़ा करीब रही है अब चल एक पुरानी कहानी पे वो बहुत लोग जानना चाहते हैं आज कई फ़ोन भी आए इसीलिए मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ राजनीति में गिर कर उठने की कहानी बहुत है पर एक वाकया आपके साथ हुआ जब आप मरकर जिंदा हो गए थे इसी तरीके से जैसे फर्जी मुकदमे ला दे गए वैसे फर्जी मार मार के जिंदा कर दिया गया यही है कहानी तो यह, 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 पुलिस यही हमारी पुलिसिंग है यही हमारी पुलिसिंग है आपको मैं बताऊं जब मैं पहली बार एम एल ए बनकर तो पूरी कहानी बताइए मुझे क्या हुआ था क्योंकि सब अब मुझे खुद ही नहीं पता है वो क्या हुआ था मैं तो अखबारों के थ्रू जाना ऐसा ऐसी घटना बताइए तो सही देखिए वो भी मैं बताऊं आपको कितना प्रेशर में पुलिस काम करती है आज आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूं हमारे ऊपर पहला मुकदमा यूनिवर्सिटी में एक तीन का कायम हुआ एक छात्र की हत्या हो गई राजेश पांडे जी एस रहे एस में भी उस समय सी ओ महानगर थे सी सिटी जौनपुर भी हुआ करते थे वो हम लोग वहीं से परिचय था मैं जौनपुर था ये मुकदमा मेरे ऊपर कायम हुआ मैंने उनको फ़ोन किया हमने कहा भाई साहब ये मुकदमा गलत कायम कर दिया गया मेरे ऊपर और ऐसे चीज़ें लगेंगी तो कैरियर स्पॉयल होगा हम लोगों का लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए बोले बॉस हमारे बहुत नाराज़ हैं सूर्य कुमार शुक्ला जी उस समय एस एस पी हुआ करते थे मुकदमा लग गया एक मुकदमा लगा दो लगा तीन लगा फिर उसके बाद नाइन्टी सेवन में एक यहाँ पर एक अम्बेडकर उद्यान के एक इंजीनियर का मर्डर हो जाता है पुलिस इतने प्रेशर में थी मायावती जी मुख्यमंत्री थी उनको कुछ नहीं मिला हम लोग ऊपर चार छः दस मुकदमे थे उस आधार पर मुझे मुलजिम बना दिया गया तत्कालीन एस रजनीकांत मिश्रा जी आज भी हैं आप भी जब उनसे कभी जाके पूछेगा मैंने उनको फ़ोन किया मैंने कहा देखिए गलत मुकदमा न फंसाइए इसमें मुझे और इस मुकदमे से हम लोग कोई लेना देना नहीं क्योंकि हम कभी भी हम लोग भागे नहीं हमने हमेशा बात किया है लोगों से और मुझे इस मुकदमे में फंसा दिया गया अननेसेसरी का रिवार्ड कर दिया गया हम लोग तो लड़ते रहे जूझते रहे हुआ क्या था बदोई में कहानी हमें जानकारी नहीं है कुछ उस घटना में पुलिस ने तब तब जैसे नहीं बाही लेने के लिए आज देख रहे हैं नाजायज तरीके किसी की पैर में गोली मार दो किसी उसे में इनाम लेने के चक्कर में चार निरीह लोगों की हत्या कर दी गई तो प्रकट कैसे हुए फिर प्रकट कैसे हुए हाँ हाँ हम थे ही हम तो अपने गांव ही रहते थे मैक्सिमम टाइम हम अपने घर पे ही रहे गांव पे ही रहे अपने लोगों के बीच रहे जिन लोगों ने मुझे वही चार साल बाद विधायक बना दिया 2002 में उन्हीं लोगों के बीच रहे आप पूरी बात तो बता ही नहीं रहे हैं कि 1998 की कहानी है वधुई में ऐसे पुलिस एनकाउंटर मुझे थे पता होता ना वो तो पुलिस की फैब्रिकेटेड स्टोरी है ना तो उसमें मैं जब मैं उसमें कुछ जानता तो बता देता आपको ना मुझे तो जानकारी भी नहीं पुलिस अपनी पीठ थपथपाने के लिए करती है वीगार्ड प्रजेंट्स कौन जीत रहा है कोपावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल बोलो जुबा केसरी